हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राजश्री। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में कि आप घर पे ब्लीच कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डू ब्लीच एट होम। आप कोई भी अपनी पसंद की ब्लीच ले सकते हैं, कोई भी आप यूज़ करते हैं जो आप पार्लर में करवाते हैं ब्लीच, आप वो ले सकते हैं। चाहे ऑक्सी हो, VLCC की हो, गोल्ड हो, फैम की हो, या कोई भी डायमंड की हो, जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप लेके उसको घर पे आप कर सकते हैं, वो भी कम प्राइस में। अगर आप पार्लर जाएंगे तो वो आपको 400 to 500 तक तो आपका ले लेके ब्लीच करने का, और सेम सिचुएशन रहेगी जैसे आप घर पे करेंगे वैसी, और पार्लर करेंगे वैसी। बस कुछ जो लोग हैं वो इसलिए घर पे ब्लीच नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे एक्टिवेटर डालना है, कितना डालना है और कैसे करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ सिखाऊंगी कि आपने कैसे ब्लीच करनी है घर पे और कितना एक्टिवेटर डालना है। और ब्लीच लगाने से पहले, जो स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको इस वीडियो में कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिसका आपको ध्यान रखना है बिफोर ब्लीच एंड आफ्टर ब्लीच। स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है, जो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बिल्कुल भी नहीं करना है वो है, अगर आपने ब्लीच करने से पहले आपको क्या करना है कि आपने बिल्कुल भी थ्रेडिंग वगैरह नहीं की होनी चाहिए, फेस पे अपलिप्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और फेस पे जो वैक्स करवाते हैं उन्होंने नहीं किया होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर ब्लीच अप्लाई कर लेंगे तो आपको स्किन में रैशेज और इरिटेशन वगैरह हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा जलन पड़ सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि आप ब्लीच इससे पहले कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह हैं तो आप तब भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक पिंपल्स होंगे उसके ऊपर अगर आप लगाएंगे ब्लीच ट्राई करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो इरिटेशन होगी, रैशेज हो जाएंगे, जो पिंपल्स के जो स्कार्स होते हैं वो भी रह जाते हैं। और ये रहा इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या करना आपने कि आपने अंडर आइज के नीचे जो है ब्लीच नहीं करना है। इस जो आइज के नीचे जो एरिया होते हैं बहुत हमारा सेंसिटिव एरिया है, आपने यहाँ पे भी ब्लीच नहीं करना है। तो ये रहे तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ पॉइंट रहा कि आपने क्या करना है, अगर आपको एक पिंपल है, दो पिंपल है, कुछ भी है, तो आप उसको अवॉइड करके, उस एरिया को अवॉइड करके बाकी पूरे फेस पे ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं। और ये रहे फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट रहा कि आपने क्या करना है, ब्लीच लगाने से पहले आपने अपना फेस जो है बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लेना है, फेस वॉश से या फिर सोप जो भी आप यूज़ करते हैं उससे कर लेना। इससे आपने क्या करना है कि इससे पहले आपने अपना फेस, जहाँ तो आप वेट वाइप से वॉश कर सकते हैं, जहाँ तो फेस वॉश कर सकते हैं, मेक श्योर आप फेस वॉश ही करें। इससे क्या होगा, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आपका जो भी, अगर आप ट्राई करें, अगर ये ब्लीच अगर आप लगाते हैं उसके बाद, तो आपको वो अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये रहे पॉइंट्स जो ब्लीच करने से पहले आपको नहीं करने हैं। इससे क्या होगा कि करने से आपके फेस पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, रैशेज वगैरह हो जाएंगे। और अब ये पॉइंट्स रहे कि ब्लीच करने के बाद आपको क्या करना है। ब्लीच करने के बाद आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है। सनलाइट में जाने से आपको क्या होगा कि आपकी जो स्किन में रैशेज हो जाएंगे और आपको इरिटेशन हो सकती है, और एक दो दिन तक आपको उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट, अगर आपको जाना भी है इसके बाद, कि कुछ लोग जो पार्लर में जाते हैं उसके बाद फिर धूप में वापस भी आते हैं घर पर, तो वो क्या करते हैं कि आप वो फेस को कवर कर लेते हैं किसी कपड़े से, किसी चीज़ से, तो इसीलिए उनका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और सेकंड पॉइंट जो है, आपको क्या करना है कि ब्लीच करने के डायरेक्टली बाद फेस वॉश या सोप अप्लाई नहीं करना है। इससे आपके स्किन में जो आपने किया होगा, जो आपने ब्लीच ट्राई की होगी, तो उससे क्या होगा कि वो रिएक्ट कर जाएगा जो भी फेस वॉश वगैरह होगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपने क्या करना है कि 5 to 6 hours तक आपने नहीं करना है। मेक श्योर आप क्या करें कि आप, अगर आप इवनिंग में लगाते हैं ब्लीच, हाँ तो आफ्टरनून में लगाते हैं, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग में लगा सकते हो फेस वॉश। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसका आपने ध्यान रखना है ब्लीच करने से पहले, कि ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस चीज़ को, इस ब्लीच को बच्चों से बिल्कुल दूर रखें, कि ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली केमिकल है, केमिकल इसमें पड़ता है, ऐसे एक्टिवेटर कुछ भी है इसमें, तो आप ध्यान रखें कि इस ब्लीच को दूर रखें बच्चों से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लीच कैसे करनी है और इसमें क्या है और कितना एक्टिवेटर डालना है। तो मैं इस वीडियो में ले रही हूँ VLCC की है,
VLCC की इंस्टा ग्लो ब्लीच है ये, वो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये इसका जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, कि 80 रुपीज़ में आपको घर बैठे ब्लीच करने का मिल रहा है पूरा, बस आपको ध्यान रखने कितना आपको एक्टिवेटेड होना है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करती हूँ। तो इसके बीच में हमें मिलता है ये रहा VLCC का प्री ब्लीच क्रीम, मतलब कि ब्लीच करने से पहले आपको इसकी मसाज करनी है। ठीक है, ये देखिए रहा। और एक आपको मिलता है फेस पैक मिलता है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं कोई भी फेस मास्क हो, कोई भी पैक हो, किसी ब्लीच के साथ नहीं मिलता और किसी के साथ मिलता है, इसके साथ मिलता है। अगर आप ऑक्सीगी लेंगे तो उसके साथ आपको नहीं मिलेगा। तो इसको क्या करना है कि आपको उसके बाद लगाना है कि इससे बेटर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। और जो थर्ड ये रहती है इसकी अपनी जो क्रीम रहती है, इस क्रीम का वैसे कोई काम नहीं विदाउट एक्टिवेटर। अगर आप एक्टिवेटर रहा ये, एक्टिवेटर के बिना ब्लीच नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको मेन पॉइंट आता है कि आपको ये एक्टिवेटर डालना कितना है। बस इसी वजह से जो कुछ गर्ल्स हैं, कुछ लेडीज़ हैं, वो घर पे नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि आपको कितना एक्टिवेटर डालना है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना एक्टिवेटर यूज़ करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको ब्लीच अपनी बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है। आपने ध्यान रखना है कि आपने कोई भी स्टील का बाउल नहीं लेना है, उससे भी जो उसमें केमिकल होगा वो रिएक्ट कर सकता है। आपने क्या करना है, ये बाउल लेना है, कोई भी प्लास्टिक का हो या ये वाला हो, तो आपने ये ले लेना है। और उसके बाद ये रही ब्लीच क्रीम जो आपने डाली कितनी, एक्चुअली ये फुल है, ये पूरा फुल है। ये देखो ये पूरा फुल है। मैंने क्या करना है, मुझे हाफ ही लेना है एक्चुअली, मुझे पूरे नेक में नहीं लगाना है, बैक में नहीं लगाना है, तो मुझे सिर्फ अपने फेस के यहाँ तक लगाना है, तो इसलिए मुझे ये हाफ ही लेना है। और मैं हाफ इसमें डाल लेती हूँ। आपको इसके बीच में एक स्पैचुला मिलता है, हाँ स्पैचुले की हेल्प से इसको डाल सकते हो। मैं इसमें हाफ ले लूँगी। देखो मैंने हाफ इसमें डाल दिया, बाकी के मैं छोड़ दूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। इसमें लिखा होता है कि आप 1 टाइम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये 2 टाइम हो सकती है, इसलिए आपको 40 रुपीज़ में 1 टाइम की मिल रही है, तो ये आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है घर पे करने का। एंड सेकंड वन ये रहा जो एक्टिवेटर था, एक्चुअली इसमें एक्टिवेटर उतना ही कंपनी वालों ने दिया होता है, उतना ही उन्होंने दिया होता है कि जितना आपको पूरा हो सके। एक्चुअली अगर मैं ये फुल, अगर पूरा जो क्रीम थी ये ब्लीच की, अगर ये पूरा फुल डालती तो मुझे पूरा एक्टिवेटर डालना पड़ता है। एक्चुअली पूरा फुल भी नहीं है ये हाफ है। तो क्या करने के, इसमें हाफ यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे क्या करना है कि आप स्पून लेके भी उसका हाफ कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी कि अंदाजे से अपने आइडिया से मैं इसको हाफ डाल दूँगी, हाफ रहने दूँगी, कि जो मेरी ब्लीच बची थी वो नेक्स्ट टाइम मैं इसमें डाल सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, ये देखो मैंने बाउल लिया है, बाउल में मैंने अपने आइडिया से, आप स्पून लेके कर सकते हो, स्पून लोगे उसका हाफ कर लेना, छोड़ देना और हाफ उसका डाल देना। तो ये मैंने अपने आइडिया से देखो ये मैंने छोड़ दिया बाकी वाला, और मैंने हाफ इसमें डाल दिया। और इसको मैं क्या करना है, मैंने इसको 15-20 सेकेंड्स तक इसको हमने पूरा मिक्स करना है, जब तक ये पूरा डिजोल्व ना हो जाए एक्टिवेटर इस क्रीम में, पूरा मिक्स ना हो जाए। अगर आपको इसको लगाने से पहले अगर आपको इसको ट्राई करना है, तो आप इसका एक पैच लगा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो कि आपके ये कितना इसका रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जहाँ तो ज़्यादा तो एक्टिवेटर डल गया है, लेकिन मैं जितना आपको बता रही हूँ, अगर इतना एक्टिवेटर डालोगे तो आपको पैच लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको पूरा करके फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। और ये देखो मैंने इसको पूरा मिक्स कर दिया है, तो एक्टिवेटर और ब्लीच क्रीम को। और आपको इसको लगाना कैसे, मैं एक्चुअली फिंगर की हेल्प से लगाऊंगी, ये मुझे इससे ईजी रहता है, और आप ब्रश लेके भी यूज़ कर सकते हो इसको। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि आपको इसको यूज़ करना कैसे है। और फर्स्टली आपको लगाने से पहले आपका जो फेस है बिल्कुल साफ होना चाहिए। और मैंने कोई भी क्रीम अप्लाई, सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई की हुई है और मैंने कोई क्रीम अप्लाई नहीं की है, इसलिए मैं आपको ऐसे लगा के दिखाती हूँ। अगर आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाया, कोई क्रीम का, ये तो आप साफ़ कर लेना इसको लगाने से पहले। ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने अंडर आई में नहीं लगाना है आपको, इससे इसके लगाने से आपके आईज में इरिटेशन और इचिंग सी होने लगेगी, इसलिए आप मेक श्योर कि ये ना लगाएं।
अगर किसी को ब्लीच के बाद आईज़ में ऐसे इचिंग या फिर उनको पानी निकलने लगता है, तो आप क्या करें कि ब्लीच लगाने के बाद अपने फेस पे कॉटन लेके, तो गीला कॉटन लेके जा, तो फिर रोज़ वाटर लेके लगा सकते हैं, या तो फिर नॉर्मल वाटर लेके डिप करके उसको आइस के ऊपर रख के, तो आप 15 to 20 minutes तक आप रेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी मैं लगा रही हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ नहीं लगाना, और जो आपके जो ये हेयर्स हैं आगे, एक्चुअल मेरे इतने हेयर्स आगे नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, जिसके हेयर्स आगे आ रहे हैं तो आप हेयर बैंड की हेल्प से पीछे कर सकते हो और लगा सकते हो। तो ये मैं अभी लगा रही हूँ, तो मैं अभी पूरा लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करी है, अपने आईज़ के नीचे वाला जो पार्ट है उसको छोड़ के, और जो आईब्रोज़ को छोड़ के मैंने पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको 15 to 20 minutes तक रहने देना है हमने। तो अगर किसी का डार्क कलर है तो वो 10 to 15 minutes तक रख सकता है, अगर किसी का थोड़ा फेयर कलर है तो 15 to 20 minutes तक वो रख सकता है इसको। तो आपने ऐसे इसको रखे रखना है, और उसके बाद मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि क्या रिजल्ट हैं इसके। ये रहे एक्चुअल रिजल्ट्स, मैंने यूज़ करने के बाद इसको क्लीन करके आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। और ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल जो मेरे यहाँ पे ब्लैक हेयर्स थे जो वो बिल्कुल लाइट हो गए हैं, और जो किस भी जो मेरी स्किन है वो ग्लो कर रही है। अभी मैंने कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया हुआ। और ये नोज़ देख सकते हो आप, और फोरहेड देख सकते हो कि कितना ग्लो कर रहा है। और ये हम यूज़ इसलिए कर सकते हैं कि जैसे आपको इंस्टेंटली कहीं आपको जाना है, किसी पार्टी में जाना है, आपको इन्विटेशन आया है कि आपको कल आना है या फिर आज आना है, तो आप इसको इंस्टेंटली कर सकते हो। तो इसको करने के बाद आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, आपको फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया बिल्कुल आपको वैसे ही ट्राई करना है ये। और एक्चुअली मैंने ब्लीच लगाने से पहले मैं एक चीज़ भूल गई थी, जो था प्री क्रीम थी जो मैं लगाना भूल गई थी। तो आप अगर आप VLCC के लेते हो तो इसमें आपको ये ज़रूर मिलेगा, तो आप इसको ट्राई कर लेना। और उसके बाद मिलता है ये पैक मिलता है, जो मैं अभी एक्चुअली अभी अप्लाई करके आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी होगी और मैं लगाती बैठूंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप ये VLCC के लोगे तो आपको इसमें ये पैक भी मिलेगा, तो आप ये लगा सकते हो, तो आप यूज़ कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे जो आपको लग रहा होगा कि मुझे थोड़ी सी जलन पड़ रही है यहाँ पे, इस एरिया में पड़ रही है, या तो इस एरिया में पड़ रही है, तो इसको लगाने के बाद आपको बहुत कूल फील होगा, तो आप इसको ज़रूर लगा। तो ये रहा आज की वीडियो में कि आपने कैसे ब्लीच करनी है और कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब पूरी देखना है क्योंकि स्टार्टिंग से एंड तक की आपके बिल्कुल हेल्पफुल आपकी यूज़फुल है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, इससे आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस होंगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।